Good morning dear students, myself Professor Prashant Tiwari. In Basic Electrical Engineering series, today is day 11 and we are going to cover electrical machine. Today is the third of electrical machine, we have already started electrical machine. Now just recap on the topics what we covered. In the video of day 9, we covered introduction of electrical machine. Similarly on day 10, we covered classification of electrical machine. And today we will cover construction of DC induction and synchronous machine. And in coming videos, we will cover working principle, EMF equation and several other topics. So let's start our topic. The first is construction of DC machine. If I will talk about DC machine, I can say DC machine always work on direct current. स्टूडेंट्स आप जानते हैं हमने ट्रांसफार्मर के बारे में स्टार्टिंग के वीडियोस में पढ़ा और ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पे काम करता है यानी इट ऑलवेज वर्क ऑन अल्टरनेटिंग करंट, जबकि मैं डीसी मशीन की बात करूँ इट ऑलवेज वर्क ऑन द डीसी करंट। अगर मैं डीसी मशीन के कुछ इनिशियल कंपोनेंट्स और क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करूँ, हर मशीन में एक जनरेटर होगा, एक मोटर होगा जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड जनरेटर। जो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगा दैट विल कॉल्ड मोटर। अगर मैं उनके पार्ट्स के बारे में बात करूं तो अगर इलेक्ट्रिकल मशीन है, जैसा कि मैंने आपको इनिशियल के वीडियोस स्टार्टिंग के वीडियोस में बताया था, अगर इलेक्ट्रिकल मशीन है यानी एनर्जी कन्वर्जन होगा, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। मींस टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स उसमें होने चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होगा स्टेशनरी पार्ट दैट इज कॉल्ड स्टेटर, और सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड रोटर। यानी चाहे वो जनरेटर हो डीसी मशीन का या मोटर हो, उसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे, स्टेटर एज वेल एज रोटर। What is स्टेटर? तो स्टेटर इज स्टेशनरी पार्ट, ये स्टेशनरी है इसलिए इस पार्ट को हम स्टेटर बोलते हैं, यानी इस पार्ट के अंदर कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होगा, रोटेटिंग डिवाइस नहीं होगा, यानी इसमें मोशन नहीं होगा। सेकेंड इज कॉल्ड रोटर, यानी रोटर इज अ रोटेटिंग पार्ट, इसके अंदर रोटेशन होगा, और रोटेशन होगा मीन्स कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट होगी या फिर मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ये एक कटआउट सेक्शन है इलेक्ट्रिकल मशीन का। अगर मैं इलेक्ट्रिकल मशीन के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात करूं तो जैसे मैंने बताया पहला इंपॉर्टेंट पार्ट था स्टेटर, जिसको मैं स्टेशनरी पार्ट बोलता हूं, ये आउटर पेरीफेरी है, ये आउटर पेरीफेरी का जो पार्ट है दिस इज ऑल इज कॉल्ड स्टेटर। इस स्टेटर के तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। पहला जिसको हम फ्रेम बोलते हैं, आउटर पेरीफेरी यानी मैग्नेटिक फ्रेम या फ्रेम बोलेंगे, मैग्नेटिक सर्किट भी हम इसको बोल सकते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है मैग्नेटिक पोल, यानी स्टेटर का जो पोल है तो उसको मैग्नेटिक पोल बोलते हैं, पोल कोर भी बोलते हैं, और ये इसका पोल शू या पोल फेस है। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज कॉल्ड फील्ड वाइंडिंग, यानी स्टेटर के पोल पे जो हम वाइंडिंग करते हैं उसको फील्ड वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट डीसी मशीन का जो कि रोटर कहलाता है, रोटर को हम डीसी मशीन के केस में आर्मेचर भी बोलते हैं। इसके भी दो इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे, पहला आर्मेचर का कोर होगा, दूसरा आर्मेचर की वाइंडिंग होगी। मैंने आपको स्टूडेंट्स ऑलरेडी ट्रांसफार्मर के केस में बताया है कि व्हाट इज द नीड ऑफ कोर। कोर हमेशा लो रिलेक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को, इसीलिए कोर की जरूरत हर इलेक्ट्रिकल मशीन में है जहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक और मैग्नेटिक एनर्जी मैकेनिकल में कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। अदर इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं डीसी मशीन के लाइक कम्यूटेटर, कम्यूटेटर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कहलाता है डीसी मशीन, ब्रशेस एंड शाफ्ट एंड सब एसेसरीज हैं लाइक बियरिंग्स हैं, बॉल्स हैं और उसके कूलिंग फैंस हैं। तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहला पार्ट है दैट इज योक। व्हाट इज, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि योक है क्या, इसकी जरूरत क्या है। तो योक डीसी मशीन का आउटर मोस्ट पेरीफेरी है, यानी जो बाहरी पार्ट होता है उसको हम योक बोलते हैं। वो या तो कास्ट आयरन से बना होता है या कास्ट स्टील से बना होता है। इट्स साइज एंड इट्स क्वालिटी डिपेंड्स अपॉन द पावर रेटिंग। पावर रेटिंग बहुत ज्यादा होगी तो ये हम सेगमेंटेड फॉर्म में बनाते हैं और उसको बोल्ट से हम टाइट करते हैं। अगर सिंगल है, अगर पावर रेटिंग लो है तो सिंगल सर्किट हम डिजाइन करते हैं। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू द इनर पार्ट ऑफ द मशीन। आप समझ सकते हैं अगर योक नहीं होता तो हमारा कोई भी मशीन मैकेनिकली इतना प्रोटेक्टेड भी नहीं होता और मैकेनिकली इतनी स्ट्रांग भी नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हम योक के ऊपर ही स्टेटर के पोल को हम माउंट करते हैं और जो योक होता है वो हमेशा लो रिलेक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को। ये स्पेशल पॉइंट है जो कि स्पेशली डीसी मशीन के केस में होता है। डीसी मशीन एक ऐसा मशीन है जिसके स्टेटर यानी योक में फ्लक्स सर्कुलेट होता है, एक्सेप्ट डीसी मशीन किसी अदर मशीन में फ्लक्स सर्कुलेट नहीं होता है उसके योक या फ्रेम में। इस कुछ स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि सर फ्लक्स सर्कुलेटिंग होगा तो उसमें तो शॉर्ट यदि हमें करंट लगता होना चाहिए, कहीं ना कहीं हमें उससे नुकसान होना चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्टेटर में कांस्टेंट फ्लक्स डेवलप होता है और कांस्टेंट फ्लक्स से ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता, यानी उसके फ्रेम में कोई भी एडी करंट या करंट डेवलप नहीं होते जिसकी वजह से हमें कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगे। दूसरा इंपोर्टेंट पार्ट स्टेटर का दैट इज पोल कोर। पोल कोर कास्ट स्टील लैमिनेशन कास्ट स्टील के बने होते हैं और ये आपस में लैमिनेटेड होते हैं। द मेन पर्पस टू होल्ड द फील्ड वाइंडिंग, इसी के ऊपर हम फील्ड वाइंडिंग को वाउंड करते हैं। और सबसे इंपोर्टेंट, ये फील्ड वाइंडिंग को लोअर रिलक्टेंस पाथ यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को लोअर रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करते हैं। द एंड पोर्शन ऑफ पोल इज कॉल्ड पोल शू। मैंने जैसा बताया पोल शू के लिए स्पेशली क्वेश्चन है, पोल शू का जो शेप वो स्पेशली डिजाइन क्यों होता है, कर्वियल शेप क्यों होता है, इसलिए होता ताकि यूनिफॉर्म फ्लक्स को वो जनरेट कर सके। थर्ड इंपोर्टेंट टॉपिक है दैट इज फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग लैमिनेटेड कॉपर वायर, इनेबल्ड कॉपर वायर का बना होता है जो कि आपस में लैमिनेटेड होता है और पोल के चारों तरफ वो वाउंडेड होता है। ये जो फील्ड वाइंडिंग होती है पोल टू पोल हम सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, जिससे हम अगर उसको एनर्जाइज करते हैं, जब हम सप्लाई देते हैं तो एडजेसेंट पोल पे उसकी अपोजिट पोलैरिटी डेवलप होती है। एक पोल पे नॉर्थ होगा तो एडजेसेंट दूसरे पोल पे साउथ होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ रोटर, क्योंकि कोर वही पार्ट है जो कि रोटेटिंग होता है, यानी दिस इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन। इसका शेप सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर का होता है और उसमें एक स्लॉट्स कटे होते हैं। स्लॉट्स इसलिए कटे होते हैं ताकि हम इजिली वाइंडिंग को उसको अंदर वाउंड कर सके, यानी इट हाउसेस कंडक्टर्स इन द स्लॉट। आर्मेचर कोर के अंदर वाइंडिंग को हम पैक करते हैं। इट्स प्रोवाइड इजी पाथ फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स। हमेशा कोर का एप्लीकेशन यही होता है, नीड यही होता है कि वो मैग्नेटिक पाथ को यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है। एक इस डायग्राम के थ्रू मैं फिर से आपको रिकॉल करता हूं, ये फ्रेम यानी योक कहलाता है, ये मैग्नेटिक पोल है, ये फील्ड वाइंडिंग है, ये पोल का शू है, मैंने अभी बताया। इसका ऐसे शेप इसलिए होता है ताकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप कर सके। और सबसे इंपोर्टेंट पार्ट जो कि आर्मेचर है, आर्मेचर के अंदर आर्मेचर के कोर होंगे, ये आर्मेचर का कोर है ग्रे कलर का जो है, दूसरा आर्मेचर की वाइंडिंग है कॉपर कलर की वाइंडिंग है। इन दोनों कोर के स्लॉट्स के बीच में हमारे पास एक स्लॉट है, दोनों कोर के बीच में कुछ हमारा स्लॉट है, इस स्लॉट के इस होल में स्पेस में हम अपने वाइंडिंग को पैक करते हैं। दैट वाइंडिंग इज कॉल्ड आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स एज कम्पेयर टू फुल फील्ड वाइंडिंग बहुत ज्यादा होती है, आर्मेचर वाइंडिंग की क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होती है। Now let's discuss about the next important part, that is about our armature winding. This winding is placed in the slots of the rotor. हमेशा आर्मेचर वाइंडिंग अभी जस्ट मैंने बताया कि हम आर्मेचर के कोर यानी कोर के स्लॉट्स के अंदर उसको माउंट करते हैं। बहुत सारे टर्न्स हम एक साथ लगाते हैं ताकि वो हाई करंट रेटिंग को इजिली सस्टेन कर सके। डीसी मशीन का सबसे इंपोर्टेंट पार्ट जिसकी वजह से डीसी मशीन का एग्जिस्टेंस है, दैट पार्ट इज कॉल्ड कम्यूटेटर। कम्यूटेटर नाम सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है लेकिन कम्यूटेटर बहुत सिंपल है। स्टूडेंट्स, इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या कम्यूटेटर के बिना डीसी मशीन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो एग्जैक्टली नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि कम्यूटेटर ही वो पार्ट है, इंपोर्टेंट कंपोनेंट है जो कि मशीन को डीसी मशीन का नाम देता है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप फ्राइडे लॉ ऑफ इंडक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी अगर मशीन के अंदर ईएमएफ इंडक्शन हो रहा है तो उसके लिए एसी होना चाहिए, यानी फ्लक्स कटिंग जो चेंज इन फ्लक्स होना चाहिए यानी एसी होना चाहिए। अब इस प्रॉब्लम इस कंडीशन में मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, अगर डीसी मशीन के मैं मोटर की बात करूं तो मोटर को मैं देता हूं डीसी पर इंटरनली मुझे चाहिए एसी, तो डीसी को एसी में कन्वर्ट कौन करेगा, तो दिस कन्वर्जन इज ओनली इज डन बाय द कम्यूटेटर। यानी यहाँ कम्यूटेटर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है मोटर के केस में, एंड दैट कम्यूटेटर इज कॉल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर। अगर मैं जनरेटर के बारे में बात करूं, जनरेटर के अंदर जो ईएमएफ जनरेटेड ईएमएफ होगा, जो इंडक्शन होगा ईएमएफ का आर्मेचर वाइंडिंग में, वो एसी होगा अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन मशीन डीसी है, डीसी जनरेटर है, तो इन आउटपुट वी नीड डीसी, तो इन दैट केस कम्यूटेटर अगेन चेंज एसी टू डीसी। तो यहाँ पे कम्यूटेटर एज अ रेक्टिफायर काम कर रहा है, मींस मैकेनिकल कम्यूटेटर वर्क बोथ एज अ रेक्टिफायर एज वेल एज इन्वर्टर। कम्यूटेटर शाफ्ट के ऊपर माउंटेड होता है और वो आर्मेचर से कनेक्टेड होता है, यानी कम्यूटेटर के ऊपर अच्छा कम्यूटेटर बना किसका होता है, ये अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम्यूटेटर हार्ड ड्रोन कॉपर का बना होता है और उसके कम्यूटेटर का जो शेप होता है सर्कुलर शेप है, जिसमें बहुत सारे पतले जो सेगमेंट्स हम बनाते हैं और दो सेगमेंट्स के बीच में है को हम इंसुलेट करते हैं ताकि हम वाइंडिंग को स्विच कर सकें, और उसके इंसुलेशन के लिए हम माइका या पेपर सीट का यूज़ करते हैं जनरली। यानी कम्यूटेटर के जो हार्ड ड्रोन कॉपर का जो वायर है वो कहीं ना कहीं हमारे आर्मेचर वाइंडिंग्स के थ्रू कनेक्टेड होता है, यानी जो भी कम्यूटेटर के पास एनर्जी होगी वो पूरी के पूरी आर्मेचर को ट्रांसफर हो जाएगी। द आर्मेचर वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द कम्यूटेटर सेगमेंट्स। Next is called brushes. Brushes is also most important part in case of rotating machine. ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रश ही वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो कि आर्मेचर करंट को कैरी करता है, जो कि रोटेटिंग पार्ट होता है। प्रैक्टिकली आप सोचें क्या फिजिकली पॉसिबल है? प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि मैं डायरेक्ट वायर को फिजिकल कनेक्शन कर सकूँ किसी रोटेटिंग पार्ट से। अगर मोटर होगा तो भी नहीं पॉसिबल है, जनरेटर होगा तो भी नहीं पॉसिबल है। तो इस केस में मुझे एक ऐसे डिवाइस की ज़रूरत है जो मेरी एनर्जी को आर्मेचर तक पहुंचा सके वाया कम्यूटेटर, एंड इट इज़ डन, इट इज़ पॉसिबल ओनली बाय द ब्रशेस। जनरली डीसी ब्रशेस आर मेड बाय हाई ग्रेड कार्बन। अगर मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेस की बात करूं तो अगर बहुत हाई रेटिंग मशीन है, लाइक स्पेशली इन द केस ऑफ एसी मशीन, तो बहुत हाई रेटिंग मशीन है डीसी मशीन का या फिर एसी मशीन का, तो उस केस में हम कॉपर के ब्रशेस भी यूज करते हैं, लेकिन कार्बन ब्रशेस ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। इट कनेक्ट्स द रोटेटिंग आर्मेचर कंडक्टर टू द एक्सटर्नल स्टैटिक एक्सटर्नल सर्किट, या तो वो सोर्स होगा या फिर वो लोड होगा। नेक्स्ट साफ्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि साफ्ट अगर नहीं होगा तो एनर्जी कन्वर्जन मशीन के अंदर नहीं होगा। द साफ्ट इन अ मोटर इज अ सिलेंड्रिकल कंपोनेंट मेड बाय माइल्ड स्टील विद मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेन, क्योंकि जो एनर्जी कन्वर्जन है इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल या मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, दोनों केसेस में मैं अगर मैकेनिकल एज ए इनपुट दूँ तो भी मैं साफ्ट के थ्रू दूंगा, या फिर मैकेनिकल अगर आउटपुट लूँ तो भी मैं साफ्ट के थ्रू लूंगा। तो साफ्ट की जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है हाई होती है, माइल्ड स्टील का बना होता है। साफ्ट पे ही जितने भी रोटर के पार्ट्स होते हैं वो सारे के सारे माउंटेड होते हैं। लाइक मैं बात करूं आर्मेचर कोर का, आर्मेचर वाइंडिंग का, कम्यूटेटर का, कूलिंग फैंस का। पर्पस जो है साफ्ट का वो इलेक्ट्रिकल जो मैकेनिकल पावर का मतलब ट्रांसफर है, मीन्स वो मोटर और जनरेटर दोनों केस में एनर्जी का कन्वर्जन करता है, और स्पेशली मैकेनिकल एनर्जी एज अ फॉर्म ऑफ इनपुट और एज अ फॉर्म ऑफ आउटपुट साफ्ट के थ्रू मिलती है। एक डायग्राम मैंने बुक से लिया है जिसके थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कैसे इलेक्ट्रिकल मशीन के पार्ट्स दिखते हैं और क्या उनका फिजिकल अपीयरेंस है। लाइक मैं बात करूं अगर आर्मेचर का, तो आर्मेचर का एक कोर है जो कि ट्रिल्डेड है। ट्रिल्डेड होने के पीछे जिसमें सेगमेंट्स ट्रिल्डेड, ये इसके स्लॉट्स, और इसी स्लॉट्स में हम वाइंडिंग को माउंट करते हैं। ये आर्मेचर की वाइंडिंग है। ये कम्यूटेटर है। दो कम्यूटेटर के सेगमेंट्स के बीच में ये माइका या पेपर का इंसुलेशन हमने लगाया हुआ है, जिस ये कम्यूटेटर का सेगमेंट्स कहलाता है। कम्यूटेटर हार्ड ड्रोन कॉपर का हो तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। कम्यूटेटर और आर्मेचर की वायर एक दूसरे से सेगमेंट्स के थ्रू कनेक्टेड होती है। अगर मैं बात करूँ साफ्ट की, तो साफ्ट ये माइल्ड स्टील का बना हुआ साफ्ट है, जो कि इसी साफ्ट के ऊपर हमारा आर्मेचर, हमारा कम्यूटेटर और हमारे बियरिंग्स वगैरह कनेक्टेड है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रशेस। ये आप ब्रशेस देख सकते हैं, ब्रशेस लुक्स लाइक दिस। ये कार्बन के ब्रशेस हैं। कार्बन ब्रशेस स्प्रिंग और होल्डर के थ्रू यहाँ कम्यूटेटर के सेगमेंट्स के पास होते हैं, जो इस पे टच होते हैं। परमानेंटली इसमें लॉकिंग नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे एनर्जी को ये ट्रांसफर करेंगे वैसे वैसे कार्बन ब्रश डिके होते हैं। तो कार्बन ब्रश की एक ही लिमिटेशन है कि टाइम के साथ इसका पीरियडिक मेंटेनेंस एज वेल एज रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। मैं एक बार रिकैप करूं तो डीसी मशीन के दो इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला पार्ट था स्टेटर, दूसरा पार्ट था रोटर। स्टेटर के पार्ट्स में पोल, स्टेटर के फ्रेम और स्टेटर की वाइंडिंग, जिसको हम फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। रोटर के केस में बात करूं तो रोटर का पोल, रोटर की वाइंडिंग, रोटर को हम आर्मेचर बोलते हैं, तो आर्मेचर का कोर, आर्मेचर की वाइंडिंग, कम्यूटेटर, ब्रशेस एंड शाफ्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। डीसी मोटर हो या डीसी जनरेटर हो, कंस्ट्रक्शन वाइज दोनों सेम है। पेपर में मोटर पूछे या डीसी जनरेटर पूछे, आपको कंस्ट्रक्शन में सेम डायग्राम बनाना और सेम डाटा लिखना। सो थैंक यू वेरी मच। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मशीन इज दैट इज इंडक्शन मशीन. Induction machine is also called asynchronous machine, and we are going to discuss about the construction of induction machine. Means we will discuss how different parts of induction machine is available and what are the working of different parts. So let's classify induction machine. You all know that in induction machine there are two machine, induction motor as well as generator. But induction motor is most important in the case of electrical engineering. The role of induction generator is quite small. So we are going to discuss only induction motor here. Induction motor is classified in two types. The first is three-phase induction motor and second is called single-phase induction motor. मैं अगर कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो थ्री फेज या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में भी दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे, पहला स्टेटर एज वेल एज रोटर लाइक इन अदर मशीन्स. मैं स्टेटर के बारे में बात करूं, वी ऑल नो दैट इंडक्शन मशीन में दो पार्ट्स स्टेटर एज वेल एज रोटर, जहां पे स्टेटर एक स्टेशनरी पार्ट है एंड रोटर एक रोटेटिंग पार्ट है. रोटर इज अ रोटेटिंग पार्ट. जो स्टेटर और रोटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है इंडक्शन मोटर केस में वो जस्ट लाइक अनदर एसी मशीन जैसे कि सिंक्रोनस मशीन के जैसा होता है, लेकिन एक मेजर डिफरेंस है. वो डिफरेंस ये है कि इंडक्शन मशीन में रोटर परमानेंटली शॉर्ट सर्किटेड होता है, जबकि सिंक्रोनस मशीन में रोटर शॉर्ट सर्किटेड नहीं होता. प्लस इंडक्शन मशीन सिंगल एक्साइटेड मशीन होता है, रोटर को हम सप्लाई नहीं देते हैं, जबकि सिंक्रोनस मशीन डबल एक्साइटेड मशीन होता है जिसमें हम रोटर को भी सप्लाई देते हैं. नेक्स्ट इंपोर्टेंट, थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज सेल्फ स्टार्टिंग, लेकिन अगर मैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात करूं तो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है. इन 95% इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज जनरली यूज्ड और उसके पीछे रीजन है, इट्स रग्ड कंस्ट्रक्शन, मैकेनिकली काफी स्ट्रॉन्ग होता है, बाय नेचर ये सेल्फ स्टार्टिंग होता है, इसकी मेंटेनेंस लो होती है और सबसे इंपॉर्टेंट इसका ऑपरेशन काफी रिलायबल होता है. तो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडक्शन मोटर, जिसकी वजह से आज भी हम 95% तक जनरली इंडस्ट्रियल एरियाज की बात करें या डोमेस्टिक एरियाज की बात करें या एग्रीकल्चर प्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हम इंडक्शन मोटर को यूज करते हैं. मैं इंडक्शन मोटर के पार्ट्स को और डिटेल में आपको बताऊं तो स्टेटर एक स्टेशनरी पार्ट है जिसके दो कंपोनेंट होंगे, स्टेटर का कोर और दूसरा कंपोनेंट होगा स्टेटर की वाइंडिंग यानी स्टेटर कोर, जिसको हम आर्मेचर भी बोल सकते हैं, लेकिन इंडक्शन मोटर केस में हम उसको स्टेटर कोर ही बोलेंगे और फील्ड वाइंडिंग के नाम से भी हम बोलते हैं. रोटर के और उसका जो दूसरा जो इंपोर्टेंट पार्ट होगा स्टेटर का, स्टेटर वाइंडिंग. रोटर के भी दो इंपोर्टेंट पार्ट हो गए, पहला रोटर कोर और रोटर वाइंडिंग. इंडक्शन मोटर के केस में रोटर की वाइंडिंग परमानेंटली शॉर्ट सर्किटेड होती है और अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट रोटर जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, स्क्विरल केज एज वेल एज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर. अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. आप इस डायग्राम में कंस्ट्रक्शन और उसके पार्ट्स के बारे में समझिए. ये इंडक्शन मशीन के स्टेटर का फ्रेम है, आउटर पेरीफेरी है, जो कि इसको हम कास्ट आयरन फ्रेम से भी बोल सकते हैं. ये स्टेटर का मैग्नेटिक सर्किट है यानी स्टेटर का कोर है. इस कोर के स्लॉट्स में हमने स्टेटर की वाइंडिंग करी है, जिसको हम स्टेटर के कॉइल्स बोल सकते हैं यानी स्टेटर की वाइंडिंग बोल सकते हैं. दूसरा हमारे इंपोर्टेंट कंपोनेंट जो कि परमानेंटली शॉर्ट सर्किटेड है, जिसमें रोड वाइंडिंग परमानेंटली एंड रिंग से शॉर्टेड होती है, दिस इज कॉल्ड स्क्विरल केज रोटर यानी दूसरा इंपोर्टेंट कंपोनेंट रोटर है. कूलिंग पर्पस के लिए हम कूलिंग फैन लगाते हैं. हम ये सारे पार्ट्स यानी रोटर एज वेल एज कूलिंग फैंस इंडक्शन मोटर के शाफ्ट के ऊपर हम वाउंड करते हैं. सम अदर एज एसेसरीज लाइक एंड बेल है, नेम प्लेट है, लिफ्टिंग आई है एज वेल एज वायरिंग बॉक्स है. अगर मैं स्टेटर और रोटर के बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊं तो स्टेटर एंड रोटर कोर आर बिल्ड अप द हाई ग्रेड अलॉय स्टील एंड दे आर लैमिनेटेड और पर्पस उसका है टू मिनिमाइज द एडी करंट लॉसेस. स्टेटर एंड रोटर हैव लैमिनेटेड टाइप कंस्ट्रक्शन और इनके जो पतले पतले सीट्स होते हैं जिनके स्टैम्पिंग होती है, जिसको हम बाद में स्टैक करते हैं, उसके स्टैम्पिंग की जो थिकनेस होती है विथ इंसुलेशन इट इज 0.3 टू 0.5 mm. द मेन फंक्शन होता है स्टेटर के कोर का लोअर रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करना और एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस को मिनिमाइज करना. स्टेटर की वाइंडिंग के मैं बात करूं, थ्री फेज और सिंगल फेज मशीन में जनरली हम कॉपर वायर यूज करते हैं हाई गुड क्वालिटी ऑफ इंडक्शन मशीन के लिए. तो अगर थ्री फेज इंडक्शन मोटर होगा तो थ्री फेज की वाइंडिंग होगी, सिंगल फेज यानी लो रेटिंग का इंडक्शन मोटर होगा तो हम सिंगल फेज नेचर की सप्लाई या सिंगल फेज नेचर की वाइंडिंग करेंगे. यानी अकॉर्डिंग टू द वाइंडिंग अरेंजमेंट मैं स्क्विरल यानी रोटर का के दो टाइप्स होते हैं, पहला स्क्विरल केज रोटर परमानेंटली शॉर्ट सर्किटेड होता है एंड रिंग से. स्क्विरल केज रोटर की एक ही प्रॉब्लम है कि स्क्विरल केज रोटर में जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो पूरा होता है, इसलिए हम एक्सटर्नली रेसिस्टेंस को स्टार्टिंग के टाइम में ऐड करते हैं और टॉर्क को बढ़ाने के लिए, और उस केस में हम एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को ऐड करते हैं थ्रू द स्लिप रिंग्स. तो इसलिए इंडक्शन मोटर का जो रोटर का दूसरा टाइप हुआ, दिस इज कॉल्ड वाउंड रोटर और स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर। मैं अगर स्क्वायरल केज और वाउंड रोटर का एक छोटा सा डायग्राम दिखाऊं जो मैंने बुक से लिया है, ये एक डायग्राम है जिसमें ये हमारे पास बार्स है जिसको हम कंडक्टर के बार्स बोलते हैं, यानी कॉपर के बार्स हैं ये जो कि रोटर के बार्स हम कहलाएंगे। ये वायरिंग के जगह पे हम बार्स इसलिए यूज करते हैं क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप करने के लिए काफी हेवी करंट इंडक्शन मोटर कंज्यूम करता है और वो हेवी करंट 5 to 6 टाइम ज्यादा होता है। इस कंडीशन में कंडक्टर की जो साइज होती है यानी करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है कुछ ज्यादा होती है। ये दोनों एंड रिंग्स हैं यानी कॉपर के जो बार्स है एंड रिंग्स के थ्रू शॉर्ट सर्किटेड होते हैं परमानेंटली। इसका मैं एक छोटा सा आपको एक लेमैन एग्जांपल दूं, देसी एग्जांपल दूं तो हम पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ाने के लिए जिसको कहीं कहीं चरखी या फिरकी बोलते हैं उसको आप समझ लीजिए। ये धागा जिसपे हमने लपेटा है जो बांस या लोहे के आजकल हम जनरली यूज करते हैं वो हमारे बार्स हो गए कॉपर के, और जो ये हमारे पास दोनों तरफ जो चक्के लगे हैं दीज आर कॉल्ड एंड रिंग्स, और जिसको हम यूज करके धागे को लपेटते हैं रोलिंग करते हैं दिस इज कॉल्ड शाफ्ट। दूसरा जो टाइप है दिस इज वाउंड रोटर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। वाउंड रोटर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ये हमारे पास रोटर है, रोटर का कोर है, कोर के साथ साथ वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग परमानेंटली शॉर्ट सर्किटेड नहीं होती है। स्लिप रिंग के थ्रू हम एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऐड करते हैं और उसके थ्रू हम इसको शॉर्ट करते हैं। स्टार्टिंग में रेसिस्टेंस को हम यूज करते हैं, एक बार मोटर स्टार्ट हो गया तो रनिंग केस में धीरे धीरे रेसिस्टेंस को हम कट करके रिलीज कर देते हैं, यानी स्टार्टिंग में रेसिस्टेंस हाई होता है जिसकी वजह से मेरी स्टार्टिंग टॉर्क अच्छी होती है। तो इस मोटर को यानी वाउंड रोटर या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को हम मीडियम लोड पे हम जनरली यूज कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि स्क्वायर केज मोटर को या तो हम नो लोड या फिर हम हाई मीडियम नो लोड या फिर स्मॉल लोड पे ये स्टार्ट कर सकते हैं। The next machine is called synchronous machine. So let's discuss about the construction of synchronous machine. अगर मैं synchronous machine की बात करूं मैं बोल सकता हूं synchronous machine also have two types. First is called synchronous generator and second is called synchronous motor. मैं मोटर या जनरेटर की बात करूं इसके भी टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट जो कि स्टेशनरी नेचर होगा दैट इज कॉल्ड स्टेटर, और दूसरा पार्ट जो रोटेटिंग नेचर होगा दैट इज कॉल्ड रोटर। सिमिलरली मोटर के केस में भी स्टेटर एज वेल एज रोटर। आपको सबसे ज्यादा ध्यान क्या देना है जो कि जनरली इंटरव्यूज में पूछा जाता है, पहला पॉइंट है कि डीसी मशीन में और एसी मशीन के कंस्ट्रक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या हमने किया। तो पहला डिफरेंस तो कम्यूटेटर की जरूरत नहीं थी। कम्यूटेटर की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि डीसी मशीन में इंटरनली ऑपरेशन एसी पे होता था, एक्सटर्नली डीसी की बात हम करते थे। तो एसी टू डीसी या फिर डीसी टू एसी कन्वर्जन के लिए मुझे एक डिवाइस की जरूरत पड़ती थी, जबकि एसी मशीन के केस में उस डिवाइस की जरूरत नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट हमने काम ये किया कि डीसी मशीन में जो आर्मेचर था वो रोटर पे था, रोटेटिंग पार्ट था, लेकिन यहाँ आप ध्यान से देखिए आर्मेचर स्टेटर पे है यानी स्टेशनरी पार्ट है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। और ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि आर्मेचर हमारे मशीन का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है जो कि एनर्जी कन्वर्जन के काम में आता है, यानी आर्मेचर ही वो कंपोनेंट है जिससे हम अपनी एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। अदरवाइज फील्ड तो सिर्फ फील्ड फ्लक्स जनरेट करने के काम आता है। तो आर्मेचर में हेवी वोल्टेज हाई करंट यानी हाई पावर रेटिंग का होता है। अब डीसी मशीन के केस में आर्मेचर रोटर पे था, रोटर पे होने की वजह से मुझे लार्ज रेटिंग यानी हाई रेटिंग के कार्बन ब्रश की जरूरत पड़ती थी, जिसकी वजह से कार्बन ब्रश का रिप्लेसमेंट बहुत फ्रिक्वेंट था, प्लस लॉसेस बहुत ज्यादा थे, यानी डिफिकल्ट मेंटेनेंस था, डिफिकल्ट ऑपरेशन था। जबकि मेरे पास स्टेटर पे आर्मेचर आ गया तो इससे बेनिफिट ये मिला कि मेरा जो कार्बन ब्रशेस का जो रेटिंग का प्रॉब्लम था, नंबर ऑफ कार्बन ब्रशेस और लार्ज रेटिंग की जो प्रॉब्लम थी वो फील्ड वाइंडिंग को रोटर पे चेंज शिफ्ट करने से कम हो गई, यानी फील्ड वाइंडिंग पे कार्बन ब्रशेस जो चाहिए वो लो रेटिंग के चाहिए और उसका पीरियोडिक मेंटेनेंस भी कम होगा। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टेशनरी आर्मेचर एंड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। यानी थ्री फेज अगर सिंक्रोनस मोटर की बात करूं तो मैं थ्री फेज एसी सप्लाई अगर मैं मोटर का एग्जांपल लेता हूं दूंगा तो यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जबकि आर्मेचर नेचर में स्टेशनरी होता है लेकिन इसकी फील्ड कैसी होती है, रोटेटिंग। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टेशनरी आर्मेचर एंड रोटेटिंग फील्ड। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सिंक्रोनस मशीन जिसको हम अल्टरनेटर भी बोलते हैं आगे इसके जनरेटर को हम अल्टरनेटर बोलते हैं और सिंक्रोनस मोटर को हम सिंक्रोनस मोटर के नाम से ही जानते हैं। इसके दो पार्ट्स है, स्टेटर एज वेल एज रोटर। स्टेटर स्टेशनरी पार्ट है मशीन का जो कि आर्मेचर वाइंडिंग को कैरी करता है, जिससे अगर मोटर है तो इसमें हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जनरेटर है तो इसे हम आउटपुट एज ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं। रोटर की बात करो, रोटर रोटेटिंग पार्ट है। इंडक्शन मोटर के केस में, इंडक्शन मशीन के केस में रोटर परमानेंटली शॉर्ट सर्किटेड होता है, लेकिन सिंक्रोनस मशीन या सिंक्रोनस मोटर के केस में रोटर शॉर्ट सर्किटेड नहीं होता है। रोटर इंडक्शन सिंक्रोनस मशीन में रोटर दो टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कंस्ट्रक्शन। पहला जो टाइप कहलाता है दिस इज कॉल्ड सैलिएंट पोल टाइप, और दूसरा जो पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल पोल टाइप। मैं सैलिएंट पोल और सिलेंड्रिकल पोल टाइप को अभी आगे डिस्कस करूंगा। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन टू द पार्ट्स ऑफ द सिंक्रोनस मशीन। अगर मैं फ्रेम के बारे में बात करूं तो फ्रेम इज द आउटर बॉडी ऑफ द मशीन, और ये कास्ट आयरन का बना होता है। ये हमारे इनर मशीन को, इनर यानी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। डीसी मशीन की तरह इसके आउटर बॉडी में कभी भी फ्लक्स सर्कुलेट नहीं होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड स्टेटर कोर। स्टेटर कोर सिलिकॉन स्टील मटेरियल का बना होता है जो कि लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है, और इसी स्टेटर के कोर पे हम वाइंडिंग को माउंट करते हैं, यानी वाइंडिंग को ये होल्ड करता है। तीसरा स्टेटर की वाइंडिंग, जिसको हम आर्मेचर वाइंडिंग भी बोल सकते हैं, इनेबल्ड कॉपर का होता है जो कि स्टार कनेक्टेड जनरली और डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर हम रखते हैं। इसके पीछे रीजन है कि हम जो भी आउटपुट यानी स्पेशली जनरेटर केस में जो भी हम आउटपुट जनरेट करें वो प्योर साइनसोइडल और हार्मोनिक्स फ्री हो। आगे के लेक्चर्स में मैं डेफिनेटली इन पॉइंट्स को कवर करूंगा वन बाय वन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पार्ट है दैट इज कॉल्ड रोटर। रोटर इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन। रोटर या तो सैलिएंट पोल होगा या फिर सिलेंड्रिकल पोल। तो लेट्स डिस्कस सैलिएंट पोल रोटर एज वेल एज सिलेंड्रिकल पोल रोटर। अगर मैं सैलिएंट पोल रोटर और सिलेंड्रिकल पोल रोटर को सिंपल भाषा में समझाऊं तो मैं बोलूंगा इसका नाम है जैसे सैलिएंट पोल, यानी इसमें एयर गैप नॉन यूनिफॉर्म होगा, यानी मेरे पोल्स के, दो पोल्स के बीच का जो भी आयरन मटेरियल है वो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। सिर्फ हम आयरन का पोल्स बनाते हैं और उस पर हम वाइंडिंग करते हैं, फील्ड वाइंडिंग को, यानी इसका एयर गैप नॉन यूनिफॉर्म होगा। पोल पर रिलक्टेंस लो होगा और दो पोल के बीच में जो गैप है उसमें रिलक्टेंस हाई होगा, जबकि सिलेंड्रिकल में ये प्रॉब्लम नहीं है। सिलेंड्रिकल में अगर मैं छोटे छोटे पेरिफेरल स्लॉट्स को एक्सक्लूड कर दूँ जिसपे हमने वाइंडिंग करा है तो इसका जो शेप है वो यूनिफॉर्म है। शेप इसका नॉन यूनिफॉर्म होने की वजह से प्लस ये इसमें आयरन की अमाउंट कम होने की वजह से मैकेनिकली वीक होता है, जबकि ये मैकेनिकली स्ट्रांग होता है। ये मैकेनिकली वीक है तो इसकी स्पीड कम होगी, इसकी स्पीड ज्यादा होगी। इसमें अगर स्पीड कम है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पोल। तो नंबर ऑफ पोल अगर स्पीड कम होगी तो नंबर ऑफ पोल ज्यादा होंगे, इसमें नंबर ऑफ पोल कम होंगे, इसमें नंबर ऑफ पोल ज्यादा होंगे तो इसका डायमीटर ज्यादा होगा और एक्सियल लेंथ कम होगा। इसका डायमीटर कम होगा और एक्सियल लेंथ ज्यादा होगा। ये मैं पॉइंट्स अपकमिंग वीडियोज में डेफिनेटली डिटेल में कवर करने की कोशिश करूंगा कि व्हाट आर द कंपैरिजन बिटवीन सैलिएंट पोल एंड सिलेंड्रिकल पोल का रोटर कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आपके पेपर में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं सैलिएंट पोल या सिलेंड्रिकल को फिजिकली आपको दिखाऊं ये कैसा दिखता है, एक बुक से मैंने डायग्राम लिया है। तो दिस इज कॉल्ड सैलिएंट पोल रोटर एंड दिस इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल रोटर। यानी सैलिएंट पोल रोटर लुक वाइज ऐसा होता है, इसके डायमीटर ज्यादा होती है, एक्सेल लेंथ कम होती है, और इस सिलेंड्रिकल रोटर के डायमीटर कम होती है पर एक्सेल लेंथ ज्यादा होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द सिंक्रोनस मशीन। डियर स्टूडेंट्स, अब आज के लेक्चर्स के मैं कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि जनरली मैंने या तो डिस्कस नहीं करा है या फिर जो आपसे इंटरव्यू में या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। पहला, एवरी मोटर कैन यूज एज ए जनरेटर एंड एवरी जनरेटर कैन यूज एज ए मोटर विद सम स्लाइड मॉडिफिकेशन। सेकेंड, इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द डीसी मशीन इज डीसी पावर बट इंटरनली इट्स यूज एसी, और वो डीसी टू एसी कन्वर्जन, एसी टू डीसी कन्वर्जन होता है विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर। थर्ड इज कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन वाइज इंडक्शन मशीन इज द सिंपलेस्ट मशीन। अगर मैं कंस्ट्रक्शन वाइज बात करूं या ऑपरेशन वाइज बात करूं तो इंडक्शन मशीन सबसे सिंपल मशीन होता है, यानी इंडक्शन मशीन में रोटर में कोई सप्लाई नहीं देते, रोटर परमानेंटली शॉर्ट सर्किटेड होता है, स्पेशली स्क्वायरल केस के केस में, तो मेंटेनेंस फ्री होता है। नेक्स्ट, थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज सेल्फ स्टार्टिंग, लेकिन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है क्योंकि वहां पल्सेटिंग टॉर्क डेवलप होता है, जबकि मोटर को स्टार्ट करने के लिए रोटेटिंग टॉर्क डेवलप करना होता है। तो हम डिफरेंट मेथोलॉजी से हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट करते हैं। अपकमिंग वीडियोस में हम इन पॉइंट्स को भी कवर करेंगे। द नेक्स्ट Point is, starting torque of the three-phase induction motor, especially squirrel cage induction motor, is poorer. इसी वजह से हम उसको नो लोड या लाइट लोड में यूज करते हैं. Winding up squirrel cage rotor is permanently short circuited by the end ring और by slip rings. Slip ring के हेल्प से रोटर रेसिस्टेंस को एक्सटर्नली ऐड करते हैं ताकि स्टार्टिंग टॉर्क हाई हो जाए. एंड ड्यू टू दिस रीजन दिस रोटर इज कॉल्ड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर. और इंडक्शन मोटर इज कॉल्ड असिंक्रोनस मोटर क्योंकि कभी भी किसी भी हालात में किसी भी पोजीशन में इंडक्शन मोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड को अचीव नहीं कर सकता, रोटेटिंग फील्ड के स्पीड को अचीव नहीं कर सकता. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड असिंक्रोनस मशीन. अगर बाय डिफॉल्ट स्पीड अचीव होता भी है तो उसमें इंडक्शन फ्लक्स यानी चेंजिंग कटिंग फ्लक्स की वैल्यू जीरो हो जाती है और जिसकी वजह से इंडक्शन मशीन के अंदर EMF इंड्यूस नहीं होता, रोटर में EMF नहीं बनेगा तो स्पीड अपने आप रिटार्ड हो जाती है. नेक्स्ट, सिंक्रोनस मशीन रोटेट एट द स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और इसी स्पीड को हम बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड. NS ये फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और नंबर ऑफ पोल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. नेक्स्ट, सिंक्रोनस जनरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड ऑल्टरनेटर. सिंक्रोनस जनरेटर का दूसरा नाम ऑल्टरनेटर है, ऐसा इसलिए क्योंकि इसका आउटपुट ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, AC होता है. और लास्ट पॉइंट, थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज सेल्फ स्टार्टिंग बट सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सिंक्रोनस मोटर के केस में कि सिंक्रोनस मोटर के अंदर वो सारी क्वालिटीज होती हैं जिसकी वजह से वो सेल्फ स्टार्ट हो जाए, लेकिन स्टेटर के यानी रोटेटिंग फील्ड की स्पीड और रोटर के इनर्शिया के बीच में जो एक मेजर डिफरेंस होता है उसके वजह से रोटर स्टेटर के फील्ड के स्पीड को अचीव नहीं करता क्योंकि वो अपोजिट पोल के बीच में मैग्नेटिक अट्रैक्शन प्रिंसिपल पे वर्क, रिपल्शन प्रिंसिपल पे वर्क करता है. इसलिए सिंक्रोनस मोटर के अंदर सारी क्वालिटीज होने के बावजूद भी वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, तो हम डिफरेंट मेथोलॉजी से उसको सेल्फ स्टार्ट करते हैं, जबकि थ्री फेज इंडक्शन मोटर इनहेरेंटली सेल्फ स्टार्ट होता है. दोस्त, अगर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूं तो मैं बोलूंगा सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, फिर भी सिंक्रोनस मोटर इकलौता ऐसा मोटर है जो कि कांस्टेंट स्पीड के साथ साथ डिफरेंट पावर फैक्टर पे भी काम करता है. ये लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी पावर फैक्टर पे भी काम करता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर एंड वी कवर्ड all the three machines and especially we covered construction of all three machines. Hope आपको समझ में आया होगा. कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखें. आप मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं, पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं. थैंक यू.